अरे रुको रुको, अब आ गए हो तो वीडियो देख कर ही जाओ। थैंक यू सो मच रुकने के लिए। जी हाँ, शुरू करते हैं आगे की वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ बिहार। तो शुरू करते हैं, यहाँ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली की रेलवे स्टेशन से बिहार के एक छोटे से गांव तक, जो कि ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं लगभग 2 साल के बाद मैं अपने गाँव जा रहा हूँ छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली वहीं पर रहती है और मैं यहाँ पर स्टडी के लिए रहता हूँ। मैं तो काफ़ी दिनों बाद मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए और सब चीज़ें उस सबसे मिलने के लिए। तो वाकई में दोस्तों, ये नज़ारे देख कर दिल खुश हो गया था, इतनी हरियाली वहाँ पर, इतनी शांति थी। क्या क्या किससे मिलेगा? अपने दादा दादी से और बड़े पापा, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, उन सबसे मिलेंगे। आशीष, मैं छुपने जा रहा हूँ, पटाखे फोड़ने। पटाखे तो मिलेगा नहीं गाँव में? मिलेगा गाँव में, बहुत सारे पटाखे मिलेंगे। मैं सर्च करके गया हूँ। कहाँ सर्च किया है? चौबीस घंटे के लंबे सफर करने के बाद आखिरकार मैं अपने गांव पहुंच ही गया। सुबह के बज रहे थे 7 और जैसे ही मैं सुबह अपने घर पहुंचा गांव में, तो देखा कि यहां पे गाय, खरगोश, मेरे जो हमारे घर के मेंबर हैं जो एक तो फैमिली की तरह रहते हैं, उनको देखकर मेरा एकदम दिल खुश हो गया और फैमिली तो हो गई। My pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life. जैसे ही मैंने घर पहुंचा, अगले दिन से ही छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही मेरी मम्मी गेहूं धो रही थी, यहाँ पे दादी चूल्हा बना रही थी प्रसाद बनाने के लिए, तो जोरों शोर से छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सारे काफ़ी एक्साइटेड थे छठ पूजा के लिए, काफ़ी सब अपने अपने काम में बिजी थे, व्यस्त थे, तो ये देख के बहुत मुझे खुशी हो रही थी और मैं इस काम में हाथ भी बटा रहा था सबके। फिर अगले दिन मैं जैसे ही पहुंचा वहाँ पे, मैं चला गया कुम्हार के घर पे, जो कि कोसिया के लिए उनसे वहाँ से सामान लाना पड़ता है, जैसे कि हाथी, दिया, ये सारे वहाँ से टेम्पो में बैठ के गए और ले आए। उसके पहला दिन बिताने के बाद हम निकल पड़े दूसरे दिन सुबह के कुम्हार के घर टेम्पो से कोसिया के सामान लाने के लिए, जहाँ से हमें कलेक्ट करना था हाथी, दिया और बहुत सी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं था, उन्हें पता था, उन्होंने दे दिया था पूरा। उसके बाद शाम ढलते ही खरना पूजा की तैयारी घर में शुरू हो चुकी थी। सब व्यस्त थे अपने अपने कामों में, दादी मम्मी खरना पूजा की तैयारी कर रही थी और पूजा होने के बाद कुछ देर बाद हमने इतना टेस्टी प्रसाद खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था वाकई में। अब बस हमें इंतज़ार थी उस सुबह की, कल की सुबह की, जिस दिन
छठ पूजा होने वाला होता है शाम की। फिर आगे देखते चाचा जी ने पापा जी ने दौड़ा उठाया और छठ पूजा के घाट के लिए निकल चुके थे। फिर सारे लोग धीरे धीरे निकलने जा रहे थे अपने अपने घर से माथे पे दौरा लेकर, जो कि वाकई में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसी दिन का हमें इंतजार था। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। सकल जग